गुड मॉर्निंग लवली पीपल, कैसे हो आप सब? होपफुली सब बढ़िया, सब सेफ होंगे। चलने की तैयारी हो रही है, कुछ बंदे जा रहे हैं स्पीति, कुछ बंदे जा रहे हैं घर, अर्जेंट काम आ चुका है तो इसलिए मुझे ना वापस जाना पड़ रहा है। और मेरे साथ साथ ये भी दोनों जा रहे हैं, एक जो बाथरूम में बैठा हुआ है और सद्दाम भी वापस जा रहा है। मान देख रहे हो, ये इधर सब फैला पड़ा है, ये मेरे बैग पड़े हुए हैं, उधर फैला हुआ है। सोनू को मैं नया ब्लूटूथ दिला के दूंगा यार, ये टूट गया इसका, मेरी बाइक में रखा था, गिर गया ये। तो अभी हमने यहाँ पे अपना सामान वामान ला के रख दिया है। बाइक पे बहुत ज़्यादा ओस पड़ी हुई है, सारी बाइकों पे ओस पड़ी हुई है इस समय, ये देख रहे हो पूरी ओस हो रखी है, ये देखो। तो सोनू का सामान सेट हो चुका है, सोनू जा रहा है अभी चटकुल, चटकुल से कल जाएगा स्पीति। चलते हैं भाई, चाय वाय पीते हैं, चाय वाय पी के फिर सब कहेंगे सोनू को अलविदा। वो गाड़ी वार्म अप हो चुकी है हमारी बढ़िया तरीके से, ये वार्म अप हो चुकी है। तो स्लाइट सा चेंज है थोड़ा सा अपनी राइड में, और हम लोग अभी जा रहे हैं चिटकुल। तो मैं जा रहा हूँ चिटकुल सोनू का साथ देने, और चिटकुल से फिर मैं आ जाऊँगा वापसी दिल्ली की तरफ। तो मेरे पास 2 दिन छुट्टी थी अभी सैटरडे संडे, तो मैंने सोचा क्यों ना भाई चिटकुल चला जाए, और सैटरडे संडे में आराम से चिटकुल हम कवर कर सकते हैं। तो जो पहाड़ों के मेन नज़ारे हैं ना भाई, वो स्टार्ट होते हैं मेन रामपुर के बाद ही। रामपुर तक तो आपको ऐसे ही पहाड़ मिलेंगे जैसे शिमला मनाली में मिलते हैं, बट जो कोल्ड डेजर्ट मिलता है ना आपको, वो मिलता है रामपुर के बाद। जैसे जैसे रामपुर से ऊपर चढ़ता जाओगे आप, वैसे वैसे ये जो पेड़ पेड़ सब सब ख़त्म हो जाएंगे, फिर आपको सीधा मिलता है कोल्ड डेजर्ट, बिल्कुल सूखे पहाड़। और सबसे बढ़िया अगर कोल्ड डेजर्ट देखना है तो स्पीति। और ये आ गई वाटर क्रॉसिंग, सोनू अपना रह गया पीछे। ये रिवर क्रॉसिंग आ गई, हाय भाई पहाड़। और ये रोड देखो, गाड़ी जा रही है इधर, दिख रही है गाड़ी? मुझे नहीं दिख रही है, ये देखो। ओ भाई कितना जूम करके दिखा दिया मैंने, 13 प्रो मैक्स का यही फ़ायदा है भाई, एप्पल देख रहे हो। और मस्त भाई, क्या मतलब वादियों के अंदर है, इधर देख लो भाई, ये कितना बढ़िया लग रहा है। वैसे लेकिन काट के बनाया हुआ है, नीचे रोड है। चाय वाय पी के बढ़िया, मतलब 2 दिन बाद ना अच्छी चाय मिली है यहाँ पे जाके, खाना भी अच्छा, पराठा भी बहुत बढ़िया था, ऐसे लग रहा था मुड़थल मुड़थल के पराठे खा रहे हैं। तो भाई क्या नज़ारे देख रहे हो, अभी हमें वहाँ पर जाना है, सामने बर्फ़ के पहाड़ और रोड जो है मक्खन, तो जो नहीं आया वो पछताया। कहीं ना कहीं हम चारों की बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग है, मैं अजमल अल्तमस सोनू। तो सोनू जब अकेले निकल रहा था ना, तो मैं मतलब अलग अंदर से हो रहा था यार, अकेले जा रहा है, अकेले जा रहा है, बट मेरे पास थोड़े से कुछ मजबूरियाँ थी। फिर मैंने रास्ते में 2 किलोमीटर आगे गया और वापसी आ गया यहाँ। हालांकि सलमान गुस्सा हो गया, आज इंडिया का लास्ट विलेज देखेंगे। जब छाई में आओ ना तो भाई ठंड लगने लगती है, और जैसे ही धूप आती है तो बढ़िया मौसम लगने लग जाता है। जैसे ये छाई में चल रहा है ना, तो ठंड का एहसास होने लग जाता है। रीच एट द पॉइंट जहाँ पे बंदे ना फ्री वॉश कराते थे गाड़ियों को, बट आगे उन्होंने वहाँ पे बंद कर दिया है, ताले लगा दिया है। तो बंदे क्या करते थे, वहीं से गुजारते थे और गाड़ियों को वॉश कर देते। तो ये फ्री वॉशिंग वाली सर्विस है यहाँ पर। यहाँ पर होगी हमारी एंट्री, तो यहाँ पहली एंट्री होने वाली है हमारी, और ये एंट्री होनी बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए भी और इन लोगों के लिए भी, सो दैट कि ये लोग चेस करते हैं कि आगे वो गाड़ी पहुंची है कि नहीं। किन्नौर गेट आ गया, ये बहुत ही फेमस पॉइंट है जब आप स्पीति जाते हो, और पत्थर चटक रहे हैं भाई, ये कभी भी गिर सकते हैं, कभी भी। ये देख रहे हो आप, ये पूरा है हाइड्रो पावर प्लांट, JSW करे कंपनी है, और यहीं से ही सारी बिजली जो है ना, मतलब इधर आसपास के एरिया को पूरी प्रोवाइड होती है। ये ऊपर तक पूरा बना रखा है, ये जितना भी हो देख रहे हो तारे कहाँ कहाँ तक फैली हुई हैं, अगर गोप्रो में आ रहा है तो। भाई साहब मतलब ये रोड ऐसा है ना, ऐसे मिल जाए पहाड़ों पे लद्दाख तक का रोड, तो एक दिन में बंदा लद्दाख कम्प्लीट कर दे। यहाँ चल रही है 82 पे 83, तो बहुत ही प्यारा रोड बना रखा है ये, और कल से ऐसा रोड की तलाश में था मैं। तो ये रोड आपको सिर्फ मिलेगा स्पीति जाने पर ही, बीच में कहीं नहीं मिलेगा। और लद्दाख साइड जाओगे तो एक आध पैच है ऐसे। सोनू भाई, भाई साहब मस्त तरीके से निकलते हो, ये बढ़िया ही भाई साहब ये चला रहे हैं, तो मस्त भगा रहे हैं इनको चिटकुल बहुत ना जल्दी। साथ में ही है, थैंक यू सर। क्या मस्त जगह है यार, मस्त भाई साहब। लेफ्ट राइट, तो गाइस वहाँ से हमने लेफ्ट लेने के बाद अब रोड जो है ना भाई पूरा ख़राब है। तो ये आपको रोड ना चिटकुल तक ऐसे ही मिलेगा 41 किलोमीटर जो है, बीच बीच में कहीं थोड़ा बहुत सही होगा जहाँ तक मैंने वीडियो देखी थी उसके अकॉर्डिंग। तो
तो इधर देख रहे हो भाई रोड कितना ही बेकार है यहाँ पे चिटकुल जाने के लिए, बहुत ही बम्प है, मतलब पैचेस बने हुए हैं देख रहे हो, ये खुदा हुआ है और आगे तक देख रहे हो ऐसी रोड है। तो हमें ऊपर तक जाना है, ये अब सारी अब अप हील है यहाँ से 40 किलोमीटर पूरी चिटकुल के लिए। व्यू देख रहे हो यार कितना बढ़िया है, और सारे पत्थर ऐसे मतलब ऐसे स्टीडी टाइप बने हुए हैं, लोग ऐसे ऐसे रोड से जा रहे हैं, यूँ चलते 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 ये रोड आ रहा है, और रोड देख रहे हो कैसा है ये यहाँ पे ये, और ये देखो जैसे सीढ़ी सीढ़ी से ना उधर के पानी आ रहा है, और ऊपर थोड़े से बर्फीले पहाड़ हल्के से दिखते हुए ये देखो। और एक चीज़ और दिखाता हूँ, यहाँ देखो पेड़ कैसे ऑरेंज ऑरेंज, ये देखो कितने खूबसूरत पेड़ है, ये देखो कितने खूबसूरत पेड़ हो रखे हैं भाई, मज़ेदार। अरे ये दुख आए ख़त्म नहीं होता है रे भाई, ये ऑफ रोड नहीं ख़त्म होने आ रहा है, और 40 किलोमीटर ऐसे हो गए हैं कि भाई जैसे कि कोई खींचता जा रहा है, रबड़ की तरह खींचता जा रहा है। कभी चिटकुल आते हो ना माइंड सेट करके आना, जो 41 किलोमीटर है ना ये आपको 100-150 किलोमीटर के लगने वाले हैं। तो भाई चिटकुल कर लिया या स्पीति कर लिया ना, बात एक ही है, क्योंकि इस पर भी ना भाई 40 किलोमीटर जो ऑफ रोड है ना भाई साहब दिमाग ख़राब कर दिया इसने, मुझे लगा शायद रोड थोड़ी बहुत बनी होगी, अरे ये तो रोड ही नहीं है यार यहाँ पर तो साली, कभी आ भी रही है तो बस 100-200 मीटर की, और बाइक खींची नहीं रही है, बाइक भी कह रही है कहाँ ले आया आज। लास्ट विलेज को देखने के लिए हमें क्या क्या सफ़र करना पड़ा है मुझे और मेरी बाइक दोनों को, यहाँ तो सीधे ही चढ़ान है, बस चढ़े जा रहे हैं चढ़े जा रहे हैं, कहीं डाउन नहीं है कुछ नहीं है, और मुझे लग रहा है एकदम से हम लोग काफ़ी हाइट पर आ भी गए हैं, और अभी और हाइट पर जाना है। जो सामने ये बर्फ़ के पहाड़ देख रहे हो ये रामपुर में तो दिख ही नहीं देते, और अब कितने नज़दीक आ गए हैं सोचो आप। अरे वहाँ पर चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा, ये तो यहाँ पे ना हम हाइट पे आ चुके हैं तो ऑक्सीजन की कमी, इस चक्कर में बाइक में थोड़ा सा लोड ले लेती है जगह जगह पे, तो कोई नहीं यार बाइक मशीन है, बट ऑफ रोड बहुत है, बहुत ज़्यादा ऑफ रोड है यार, बहुत ज़्यादा, मतलब एक होता है ऑफ रोड थोड़ा सा, अरे इसने 40 किलोमीटर ने ऐसी तैसी कर दी भाई, समझ जाओ आप लोग। तो गाइस देख रहे हो सामने पे इधर भी पत्थर, इधर भी मोटे मोटे पत्थर, बीच में रोड, और साइड पर जो घास है ना लाल लाल, मतलब नो डाउट अच्छा लग रहा है ये सब देख के, नया 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 है मेरे लिए। नीचे देख रहे हो तो ये रिवर देख रहे हो कितनी बढ़िया बह रही है, और हम पहुंच चुके हैं फाइनली चिटकुल, जो कि 11,320 फीट पे है, और इंडिया का लास्ट विलेज है, इसके आगे तिब्बत का बॉर्डर लग जाता है यहाँ से, और हम फाइनली, और ये जो देख रहे हो आप विलेज, ये है आपका चिटकुल विलेज जो इंडिया का आखिरी विलेज है भाई, तो थोड़ा सा आके तसल्ली मिली यहाँ पर हमें, यहाँ की जो खूबसूरती है ना भाई वो देखते ही बन रही है। सामने बर्फ़ के पहाड़, अभी ऑल्दो स्नो नहीं है यहाँ पर, थोड़ा हाइट पे है, स्नो पे हाइट पे स्नो है, तो अभी स्नो पड़ी नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये पूरा वाइट पे कवर हो जाता है, तो पानी बिल्कुल क्लीन चल रहा है, नीट एंड क्लीन, तो बहुत अच्छा खुला इलाका है एरिया, तो मज़ेदार। अपनी इंजन यहाँ खड़ी है, टायर देख रहे हो कितना माशाल्लाह बढ़िया लग रहा है पीछे का। अभी हम लोग हाइट पर हैं तो इस वजह से ना मेरे को मतलब जब मैं बोल रहा हूँ तो सांस थोड़ी सी दिक्कत कर रही है, हल्की हल्की, मतलब इतना नहीं है जितना स्पीति में हो रहा था, बट यहाँ है थोड़ा सा, मतलब मुझे फील हो रहा है कि थोड़ी सांस चढ़ रही है बोलने पर भी, और कुछ वॉक करने पर करने पर। तो बाइकें हमने यहाँ खड़ी कर दी अपनी दोनों, और यहाँ आ गए हम हिमालयन ट्राइब पे, यहाँ पर हम लोग खाना वाना खा रहे हैं, अभी ऑर्डर कर दिया हमने राजमा चावल और चाय, तो भैया बहुत बढ़िया बना हुआ है ये कैफ़े जो है, मस्त तरीके से, और यहाँ पर झंडे वंडे अच्छे लहरा रहे हैं। निकलने की तैयारी हो चुकी है यहाँ से भाई, और बाइक हो गई ठंडी भाई। हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा भी देख लिया यहाँ पर, चिटकुल आखिरी विलेज और हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा साथ साथ, तो चलते हैं आगे की ओर। अभी हमने चिटकुल में स्टे नहीं कराया क्योंकि हमें कल आगे बढ़ना है, तो इस वजह से यहाँ पे है ऑफ रोड, और हम अगर चिटकुल रुकते तो हमें दोबारा से पूरा ऑफ रोड करना पड़ता, तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना इस ऑफ रोड को अभी कंप्लीट कर लें ताकि कल हम थके ही नहीं जो है, और कल सीधा निकल जाएं आगे के लिए। चिटकुल में कुछ ज़्यादा था भी नहीं, सिर्फ एक लास्ट विलेज देखना था वो देख लिया जी भर के, एक लास्ट ढाबा वो हिंदुस्तान का लास्ट ढाबा देखना था वो भी देख लिया, तो बस ये सब कवर करके निकल गए हम आगे की ओर। तो भाई ये आ चुके हैं सांगला सिटी, तो सांगला भी भाई अच्छा खासा बना रखा है, मतलब बढ़िया बढ़िया दुकानें दिख रही हैं मेरे को तो यहाँ पे, मैं तो सोचता कि कोई छोटा सा शहर होगा, बिल्कुल अच्छी खासी सब चीज़ें हैं, फैसिलिटी सारी हो रखी है यहाँ पे। देख रहे हो भाई मौसम कितना बिगड़ रहा है, ऊपर की तरफ पूरे लग रहा है स्नो पड़ रही है जो है, पूरा डुका पड़ा है, और इस तरफ भी देखो पीछे भी पूरे स्नो के पहाड़ हो रखे हैं, देखो ऊपर तो बर्फ़ पड़ रही है पक्का।
तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं करचम डैम के, मतलब प्लेन रोड आ चुका है भाई, ऑफ रोड ख़त्म हो गई। तो अब हम लोग सीधे ढूंढेंगे होटल टपरी वे, तो हम लोग टपरी वे स्टे करेंगे आज का और फिर देखते हैं उसके बाद आगे कहाँ जाना है। अभी हम लोग आ चुके हैं होटल, होटल में थोड़ी देर नींद मार के उठे हैं और जाएंगे डिनर के लिए। तो चिटकुल का बहुत बढ़िया रहा, हमने लास्ट विलेज कवर कर लिया जैसे तैसे करके, बहुत सारी ऑफ रोड थी क्लियर करी। तो अगर आप चिटकुल आ रहे हो तो चिटकुल के लिए माइंड प्रिपेयर करके आना, क्योंकि ऑफ रोड जो है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और बाइक भी थोड़ी सी अच्छी सी होनी चाहिए, क्योंकि अगर ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा नहीं है बाइक का तो नीचे बहुत ज़्यादा लड़ेगी नीचे। और चिटकुल में कुछ ऐसा ज़्यादा कुछ खास है नहीं, सिर्फ लास्ट विलेज के नाम पे है खाली, बहुत छोटा सा टाउन है, बहुत छोटा सा बट खूबसूरत है। तो वहाँ पे स्टे करने का ज़्यादा मन करा नहीं, नहीं तो हम स्टे करते, ठंड ज़्यादा थी तो इसलिए हम नीचे उतर आए, नीचे उतर के हमने होटल ले लिया। इन्फॉर्मेशन और शेयर करूँगा कि चिटकुल के जो विलेजेस हैं, जो ढाबे हैं, वो सारे नेक्स्ट वीक से और या फिर अगले 10 दिन के बाद सब बंद हो जाएंगे टिल मार्च एंड। तो क्योंकि वहाँ पे स्नो पड़ जाएगी तो वहाँ पे जो मूवमेंट है आना जाना वो सब बिल्कुल बंद हो जाता है। तो होपफुली यहाँ तक का ब्लॉग अगर आपने देख लिया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ढेर सारा प्यार देना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, बाय बाय।